नगर पंचायत बोटा बस अड्डे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से फूड सेफ्टी मोबाइल वैन पहुंची, जिसमें दूध, पानी, पनीर, चटनी, सॉस के सैंपल लिए गए और बोटा बस स्टैंड के दोनों हैंडपंपों के पानी के सैंपल भी लिए गए हैं। वहीं फूड सेफ्टी विभाग की तरफ से लगभग 18 सैंपल लिए गए, जिसमें 17 सैंपलों की रिपोर्ट ठीक आई है, जबकि एक सैंपल की रिपोर्ट ठीक नहीं है। फूड सेफ्टी विभाग की तरफ से फूड एनालिस्ट विभाग की तरफ से फूड एनालिस्ट अक्षय कुमार, लैब अटेंडेंट चंदन कुमार उपस्थित रहे। कमी है पाई गई सर, हमने यहाँ पे वाटर चेक किया, मिल्क चेक किया और उसके बाद सर सॉसेज वगैरह थी वो चेक किया। सैंपल ठीक है इसका कि नहीं सर? बाकी तो सभी ठीक है, एक दूध में वाटर ज़्यादा पाया गया क्योंकि वो घर से बॉइल करके लेके आते थे यहाँ के लिए, तो हो सकता है उसमें फैट वगैरह वो कम हो सकता, बाकी तो सब ठीक है।